नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि कुल कितनी आपत्तियां हुई थी कल, वैसे ही आज भी मैं आपको अवगत करा देता हूं कुल टोटल आपत्तियां कितनी दर्ज कराई गई हैं। और आज आखिरी दिन है, आज अंतिम दिन भी है, तो जितनी आपत्तियाँ करनी है आप कर दें, ताकि आपके एक दो नंबर से रुक रहा है तो वह आप पास हो जाएँ। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। UPTET 2019 में 10 सवालों पर 350 से अधिक आपत्तियां। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि समान सवालों पे ही अन्य अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों को पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। ऑनलाइन आपत्ति का आज अंतिम दिन, जैसा कि आपको पता है आज 17 दिनांक है और आज ही अंतिम दिनांक भी है आपत्ति दर्ज कराने का। शुल्क वालों पर होगा मंथन। जो विद्यार्थी शुल्क कटवा कर ही आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उन्हीं पर PNP ध्यान देगी, बाकी सब खारिज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2019 में पूछे गए सवालों पर जमकर आपत्तियां हो रही हैं। उनमें सवालों की संख्या लगभग 10 ही है, जबकि आवेदकों की संख्या 350 पार कर रही है। इतना ही नहीं, अधिकांश आवेदक निर्देशों की अनदेखी करके बिना शुल्क के ही आपत्ति भेज रहे हैं, उन पर परीक्षा संस्था विचार नहीं करेगी। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर आप शुल्क नहीं दे रहे हैं तो उस पर संस्था विचार नहीं करेगी, केवल शुल्क वाली आपत्तियां पर ही विशेषज्ञ अपनी राय देंगे। तो जिस क्वेश्चन पे शुल्क कटवा रहे हैं बच्चे, 500 जो शुल्क है उन्हीं पर विशेषज्ञ हैं वो ध्यान देंगे और उसी को मान्य करेंगे। UPTET की प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए सर्वाधिक आपत्तियां हुई हैं। हालांकि गुरुवार को कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च प्राथमिक के भी सवालों पर आपत्तियाँ दर्ज की हैं। तो दोस्तों प्राथमिक में ही सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ हो रही हैं, चुनिंदा विद्यार्थी जो हैं उच्च प्राथमिक के सवालों पर भी आपत्तियां दर्ज कराए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया कि पंजीकरण कराने के बाद लगभग 250 अभ्यर्थियों ने बिना शुल्क के ही आपत्ति भेजी है, जबकि शुल्क के साथ आपत्ति करने वालों का तादाद लगभग 100 ही है। तो 350 आपत्तियां हुई हैं जिसमें 100 विद्यार्थी हैं जिन्होंने शुल्क दिया है, बाकी 250 विद्यार्थी ऐसी बस आपत्ति दर्ज कर दिए हैं। बोले सभी आपत्तियां करीब 10 प्रश्नों के इर्द गिर्द ही है। यह सवाल हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण व बाल मनोविज्ञान के हैं। उन्होंने कहा शुक्रवार को आपत्तियां लेने की मिदाद पूरी होने के बाद उनका परीक्षण विशेषज्ञों से कराया जाएगा, तब अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेंगे। परीक्षा का परिणाम 7 फरवरी को घोषित होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आपत्तियों को लेकर पूरी खबर प्राप्त हो गई हो। तो चलिए आगे एक और न्यूज़ प्रकाशित हुई है उसकी ओर देखते हैं। धरना प्रदर्शन आज से, प्रदेश में गहराते बेरोजगारी संकट के निदान के लिए युवा मंच शुक्रवार को बालसन चौराहे पर बेमी यादी धरना देगी। अनिल सिंह ने बताया कि चयन बोर्ड से 40,000 भर्ती कराने की मांग की जा रही है, लेकिन निरंतर अनसुनी हो रही है। प्रतियोगी 11 बजे धरना स्थल पर पहुंचे। तो दोस्तों जल्द से जल्द प्राइमरी स्तर की जो सुपर टेट की परीक्षा है उसके रिगार्डिंग जो धरना देना है वो आज 11 बजे होगा, ताकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए। और वहीं DElEd के रिगार्डिंग एक खबर है, DElEd परिणाम का को धरना। तो दोस्तों DElEd को लेकर धरना दिया गया था कल यानी गुरुवार को, और परीक्षा जो हुई थी 14, 15 और 17 को उसके रिगार्डिंग। तो जल्द से जल्द अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कहा है जल्द से जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा इसी मंथ में। वहीं तृतीय सेमेस्टर के रिगार्डिंग तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने धरना दिया है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, क्योंकि उनका प्रशिक्षण 6 जनवरी को पूरा हो गया है और अगर 17 फरवरी तक नहीं होता है तो उसके बाद UP बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण बहुत डिले हो जाएगा। तो जल्द से जल्द तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी कराई जाएंगी जो 7 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में ही होंगी। तो उम्मीद है आपको पूरी खबर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।